हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक हैंगिंग पॉट, एक फ्लावर हैंगिंग पॉट, जिसमें हम इजीली अपने फ्लावर हैंग कर सकते हैं और अपने घर के किसी भी कॉर्नर में, किसी भी जगह उस पॉट को, उस हैंगिंग पॉट को लटका सकते हैं, जिससे बहुत खूबसूरत लगता है और आपके प्लांट्स को भी एक जगह मिल जाती है। इसमें मैं दो प्लांट्स यूज करने वाली हूँ। फर्स्ट पॉट बीबी पोर्चुला है, आप देख सकते हैं ये काफी खूबसूरत होते हैं। ये देखिए, इनके जो फ्लावर्स आते हैं वो काफी छोटे छोटे से आते हैं। इसे हम रोज बीबी रोज पोचूला भी कहते हैं और इसे हम 9 AM फ्लावर भी कहते हैं। सेम मैं बेबी पोर्टूला की ही एक वैरायटी यूज कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, ये जो पोर्टूला है जिसे हम 9 AM फ्लावर कहते हैं, इसमें पिंक फ्लावर्स आते हैं। ऑलमोस्ट ये 9 AM के करीब खिलते हैं, इसलिए इसे हम 9 AM प्लांट भी कहते हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको सिंपल सी बोतल चाहिए होगी, जो आपके घर में इजीली मिल जाएगी, जिसमें जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स हो या कोई वाटर बोतल हो, आप इसी इजीली उससे यहाँ से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद सबसे मेन जो काम होता है, आपको फर्स्ट यहाँ पे ड्रेनेज होल करने पड़ेंगे, ताकि आपके प्लांट्स को जब भी आप पानी दें, इजीली ड्रेनेज होल के सहारे आपका जो भी पानी है वो इजीली निकल जाए, जिससे आपके प्लांट्स को ग्रो होने में आसानी हो। जैसे सारे मैंने जो भी बनाया है उसकी मैंने बैक में ड्रेनेज होल कर रखे हैं, जिससे वो इजीली पानी निकाल सके। जैसे इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी मैंने ड्रेनेज होल कर रखे हैं, इससे आपके प्लांट को ग्रो होने में काफी मदद मिलती है। सेकंड, आपकी जो सबसे मेन चीज है, इसे हैंग करने के लिए जो हम रस्सी बनाएंगे, जो हैंगिंग बनाएंगे, इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ हमारी रस्सी। ये बहुत छोटी पतली सी रस्सियां होती हैं, जिससे हैंगिंग बनाने में काफी इजी रहता है। ये मार्केट में इजीली किसी भी रॉप की शॉप से आपको मिल जाता है। सेकंड जो मेन इसमें जो पार्ट रहेगा वो रहेगा, किसी भी तरीके की आप एक चौड़ी सी एक डंडी यूज कर सकते हैं, चाहे वो किसी आपको प्लांट की मिल जाए या किसी भी तरह की वुड की मिल जाए, कुछ ऐसी सी। फर्स्ट जो रहेगा, हम आपको मैं बनाना सिखाऊंगी हैंगिंग कैसे बनाएंगे, जिसमें आप इजीली अपनी पॉट को लटका सकते हैं और जिसे काफी खूबसूरत लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रोप से हैंगिंग बनाने के लिए हमें कम से कम 8 पार्ट में इसे डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी 8 इक्वल पार्ट्स में। सी, हम इक्वल लेंथ लेंगे इसकी, सेम लेंथ फिर से, देन फिर से आप इसे रिपीट करेंगे, ऑलमोस्ट सेम इसकी लेंथ लेंगे और इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमारा 8 हो गया। इससे आपको कैंची की जरूरत पड़ेगी, इसे कट कर लेंगे। ये हमारी 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। हम इसे इक्वल करने के लिए कैंची से इसे बराबर कर लेंगे। सी, अब इन सभी 8 पार्ट्स को, किरोप्स को हम इक्वली इन्हें टाई कर लेंगे। इसे हम ऐसे टाई कर लेंगे। सेकंड, हम इसके लिए इसे बराबर पार्ट में कर देंगे, ताकि ये नीचे से खराब ना दिखे। इसे टाई करने के बाद हम इधर वाले पार्ट को भी इजीली इक्वल पार्ट में इसे कट करेंगे, ताकि थोड़ा भी ऊपर आपका जो थोड़ा बड़ा छोटा वो बराबर हो जाए। जो ये दो साथ में इसे कट कर लेंगे इक्वल, क्योंकि जब भी आप इसको टाई करेंगे, बांधेंगे, तब इस आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप इसे कट नहीं करते हैं। तो हम इसे बराबर कर लेंगे, ताकि आपको जब भी आप इसे पोर्ट हैंगिंग पॉट बनाने जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना आए। अब हम क्या करेंगे कि इन जो हमारे पास 8 पार्ट है, हर एक 2 पार्ट को एक साथ इक्वली टाई कर देंगे। आप इजीली इसे देख सकते हैं, क्योंकि यही प्रोसेस आपने बार बार रिपीट करना है। ये टाई हो गई है। सेकंड, अब इसमें से 2 पार्ट और लेंगे, उसे भी ऐसे ही टाई कर देंगे।
सेम साइज पे ही टाई करें ताकि इजी रहे। आपके जो भी आप इसमें हैंग करेंगे, अपनी प्लास्टिक की बोतल हो या कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो या किसी कांच की बोतल हो, सेम ऐसे हम करेंगे टाई। इस तरह की मजबूत टाई बनाएंगे। ऑलमोस्ट सबकी बन चुकी है। ये आपकी सेम हमने हर एक में आप देख सकते हैं टाई कर दी है। अब नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा, जैसे हमने सबको टाई किया, इसके बीचों बीच आपका जो भी आप रखना चाहते हैं वो आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्या होगा, आपने जो भी दो टाई किए थे उसका एक पार्ट इधर से आप लेंगे और दूसरा पार्ट दूसरे से, इस तरीके से लेकर इन दोनों को वैसी टाई करेंगे जैसे आपने पहले किया था। इस तरीके से आपका ये टाई बन गई। अब सेम प्रोसेस, दो पार्ट में से एक पार्ट को इधर करके निकाला, सेकेंड पार्ट का ये पार्ट लिया और इन दोनों को आपस में टाई करेंगे। इसी तरीके से करते करते हम सबको अलग अलग पार्ट में टाई कर देंगे। ऐसी करके आप कुछ ऐसा तैयार कर लेंगे। इसमें आपको बॉटल को फिट करना है, मैंने जो स्पेस छोड़ी है कुछ इस तरीके से अपने बॉटल को फिट कर सकते हैं। सी, इस तरीके से आपका बॉटल इसमें आ गया। लास्ट में यहाँ पे जो आपने टाई की है उसके ऊपर भी एक टाई करेंगे ताकि जो बीच की स्पेस है इसमें हम इजीली इससे फिक्स कर सके। इसे हम सेंटर में रख लेंगे, देख सकते हैं काफी खूबसूरत लग रहा है। इसमें अगर आप जैसे से सजाना चाहते हैं, इसमें कोई भी अपना मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट की कोई भी कटिंग ले सकते हैं। मनी प्लांट या आपका कोई भी फेवरेट प्लांट हो, आप इसकी कटिंग ले, इसके अंदर वाटर डालें और इजीली इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। जैसे मेरा फेवरेट है जैस्मिन प्लांट, जिसे मैं पानी से ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इसके अंदर हमेशा वो डालती हूँ। सी, इसके अंदर ये काफ़ी खूबसूरत लगता है और आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके लिए तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा तैयार हो चुका है, सेकंड जो हमारा है वो रहेगा इनके लिए। सेम मेथड से सेम आप इसे एट पार्ट में डिवाइड करके, इसे टाई करके, जिस तरीके से मैंने आपको टाई सिखाया, सेकंड आप टाई करके इसे इजीली बना सकते हैं। इनके लिए भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इनके लिए भी रेडी करके रखा है। इनको क्या करना है, आपने जैसे ही तैयार किया, बहुत इजी है, मैं इन सबको बना के दिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आप देख सकते हैं सेम आपने तरीके से इस बोतल को कट किया और अपने प्लांट को इसमें लगाया। आपको ये प्लांट प्लास्टिक बोतल में नहीं पसंद तो आप अपना फ्लावर पॉट, कोई भी जिस तरीके का आपको पसंद हो आप यूज कर सकते हैं। आपने इसको तैयार किया और इसके अंदर आप इसको फिक्स कर देंगे। सेम ये हमारा फिक्स हो चुका है। आप इसमें चाहे तो और भी वो जो भी टाई कर सकते हैं, मुझे ये इतना इजी लगा इसलिए मैंने कम टाई किया है, क्योंकि ताकि इस ये प्लांट को ना बांधे। नेक्स्ट लास्ट में भी फिट है, मैंने जैसे आपको बताया टाई करना पड़ेगा जिससे आप इसमें इसे इजीली वो कर सकें, हैंग कर सकें।
दो हमारे रेडी हैं। थर्ड भी सेम मेथड से ही हम बनाएंगे। जैसे कि मैंने तैयार करके रखा हुआ है, सेम मेथड से मैंने बनाया, सेम हमने 8 पार्ट में इसे डिवाइड किया, सेम दैट अब मैंने इसे दो पार्ट को इक्वली इसे टाई किया, देन उसी डिज़ाइन से मैंने इसे भी तैयार किया। अब इसमें अपने प्लांट को इजीली आप इसी मेथड से अपने भारी से भारी प्लांट, जैसे हमारे पास मनी प्लांट होता है, काफ़ी भारी पॉट में होता है, उनके लिए भी इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट आपको यहाँ पे टाई करना पड़ेगा ताकि ये आपके पॉट को संभाल सके। इसके बाद आपको लास्ट में भी यहाँ टाई करना पड़ेगा ताकि इसके बीच में हम अपने प्लांट को, जो भी हमने स्टैंड बनाया है, जो भी हमने ये वुड यूज़ की है, उसके बीच में से डाल सके। हमारी एक स्पेस बन गई। दोनों तैयार है हमारा। हम इसे साइड में इजीली से हैंग कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर करके दिखाती हूँ, वेट अ सेकंड। आप इस तरीके से इसे वॉल की किसी भी कॉर्नर में, किसी भी वॉल पे इसे हैंग कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है। हैंग करने के लिए इजीली आप दो रोप्स को साथ में टाई करके इसे इस तरीके से किसी भी प्लेस पे टाई कर सकते हैं और इसे हैंग कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है। और अगर आप ये दोनों फ्लावर पॉट चूल्हा हैं, इन्हें हमेशा धूप की ज़रूरत होती है, तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप भी पॉट चूल्हा यूज़ कर रहे हैं तो इसे किसी ऐसी जगह पे हैंग करें जहाँ इन्हें इजीली अपनी जो धूप है मिल सके, क्योंकि पॉट चूल्हा जो प्लांट है वो बिना धूप के कभी नहीं खिलते। इनके जो ये पौधे हैं वो अकड़ जाते हैं अगर आप इन्हें धूप ना दें। ये जो अगर आप लो लाइट देते हैं तो ये अकड़ जाते हैं और ये फ्लावरिंग नहीं करते। तो ये अच्छा रहेगा कि अगर आप इन सबको पॉसिबली किसी धूप वाली प्लेस में हैंग करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।